आपके इंट्रोडक्शन से शुरू करना चाहेंगे आप अपने बारे में एक एक करके प्लीज. सो माय नेम इज एलिस गुप्ता. आई एम द फाउंडर ऑफ अनुराग. हाँ जी. आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन. तो मैं म्यूज़िक में सर बचपन से ही हूँ. लगभग 15-20 साल हो गए हैं अब मुझे. तो बचपन से ही सीख रही हूँ और इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ही है मेरा मेन जॉनरा जो है, और इसी को बस प्रमोट कर रही हूँ अनुराग के माध्यम से. हाँ जी. मैं भी वोकल से हूँ म्यूज़िक में, और बचपन से ही गाना कर रही हूँ, बचपन से ही सीख रही हूँ, और कॉलेज के थ्रू मेरा इनसे पहचान हुआ. तो इन्हीं का आइडिया था बेसिकली, अनुराग एज एन इनिशिएटिव. उन्होंने मुझसे आइडिया शेयर किया, सो आई रियली लाइक्ड इट एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो या. मेरा नाम संदीप मोहंती है. मैं अभी फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक से मास्टर्स परस्यू कर रहा हूँ हिंदुस्तानी वोकल में. बचपन से ही म्यूज़िक में हूँ. पहले शुरू से थोड़ा इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादा शौक था, बट 9th-10th में वोकल में इंटरेस्ट बढ़ गया, और अभी दीदी के साथ लगे हुए हैं शास्त्रीय संगीत को प्रमोट करने के लिए. मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं सेम सभी की तरह ही हमारी भी कहानी है कि बचपन से ही माँ बाप को दिखा शौक, तो उन्होंने सिखाने के लिए डाला, और यू आर वेरी सपोर्टिव. आई होप दिस गोज़ फॉर ऑल ऑफ अस कि हमारे पेरेंट्स से काफ़ी सपोर्ट रहा है हमको सिखाने में, ताकि हम अपने कल्चर को, अपने जो हमारा आर्ट फॉर्म है, जो कि धीरे धीरे लोग कहते हैं कि स्केयर्स होता जा रहा है, लेकिन वी फील समवट डिफरेंटली कि आज भी लोगों के अंदर हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए और क्लासिकल म्यूज़िक के लिए आज भी वो एक खास जगह है जो शायद पहले के ज़माने में हुआ करती थी. हम वही दीदी का ये इनिशिएटिव है अनुराग फाउंडेशन, उसके ज़रिए यही है कि और क्लासिकल म्यूज़िक को यंग लोगों में एंड प्लस थ्रू आर मीन्स ऑल ऑफ आर मीन्स, बिकॉज हम लोग भी इतने बूढ़े भी हो ही, तो हमारे माध्यम से सबके हम क्लासिकल म्यूज़िक को और प्रमोट और सपोर्ट कर सकते. नहीं, बहुत शानदार आइडिया, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि आपके घर वाले भी आपको इसलिए सपोर्ट करते हैं. जी, तो लेकिन ये अनुराग नाम कहाँ से आया, क्योंकि आप लोगों में से अनुराग कोई है नहीं. सो द आइडिया बिहाइंड दिस नेम इज, मेरे जो गुरुजी हैं पंडित विनीत मोहन गोस्वामी, उनका ये पेन नेम है अनुराग. तो वो इस नाम से काफ़ी सारी पोएम लिखते हैं और काफ़ी बंदिश उन्होंने बनाई है इस नाम से. तो सर ने अपना पूरा, अपनी जो पूरी लाइफ है वो म्यूज़िक के लिए डेडिकेटेड है उनकी पूरी लाइफ. तो बचपन से मैं अपने सर के पास, बचपन से उनके पास ही हूँ, तो उनको मैं देख रही हूँ, उनका स्ट्रगल देख रही हूँ. वो मुरादाबाद से कैसे दिल्ली आए, दिल्ली में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, और लेकिन फिर भी उन्होंने म्यूज़िक को छोड़ा नहीं, म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं. वो उन्हीं की है, उनका ये जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसको आगे बढ़ाना था मुझे. तो मैंने सोचा इससे अच्छा क्या ही नाम हो सकता है. तो ये सोच तो बहुत पुरानी है, बट अभी इम्प्लीमेंट अभी ही हुआ है. हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम हुआ है, जो फर्स्ट इवेंट था, तो वो अभी अप्रैल में हुआ है, 27th अप्रैल को. जी. तो आप लोग मतलब कैसे कनेक्ट हुए, कैसे एक ग्रुप बना? सो मैंने म्यूज़िक फैकल्टी से अपना एमफिल किया है, मेरी पीएचडी वहीं से चल रही है, तो ये सभी जूनियर्स मुझे वहाँ पे मिले. रिद्मा को मैं 2017 से जानती हूँ, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हाँ, सब मेरे तो जूनियर से ज़्यादा दोस्त हैं. तो जूनियर तो बस नाम के लिए हैं, बट दोस्त हैं. और संदीप ईशान से मुझे मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट लगता है काफ़ी टाइम हो गया, और सब बहुत सपोर्टिव हैं. मेरा एक आइडिया था, मैंने दिमाग को कॉल किया, शी सेड हाँ करते हैं, ईशान को बोला हाँ करते हैं, मतलब एवरीबडी वाज लाइक रेडी एकदम की, और सब अपने आइडियाज़ पुट अप करते हैं कि अगली बार में ये करेंगे, ऐसा करेंगे. तो वो एक टीम खुद ही बन गई. मैंने किसी को ऐसा यू नो पोजीशन नहीं दिया कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप वो करेंगे. वो अपने आप में ही वो बनता चला गया, और बस. तो
आप लोग क्लासिकल म्यूजिक करते हैं सब लोग जी, तो मतलब कितना मुश्किल बात है आपकी क्लासिकल म्यूजिक करना और वेस्टर्न म्यूजिक के बीच, क्योंकि आजकल रैप म्यूजिक का या फिर वेस्टर्नाइज म्यूजिक का थोड़ा ज्यादा कल्चर होता जा रहा है कमर्शियल म्यूजिक का, तो उसमें क्लासिकल म्यूजिक में आप कितना मतलब क्या देखने का ज्यादा स्ट्रगल है या फिर कैसे? डेफिनेटली स्ट्रगल ज्यादा है क्लासिकल म्यूजिक में, क्योंकि आजकल जो यूथ है वो लीस्ट इंटरेस्टेड है वेस्टर्न में और बॉलीवुड में रैप में इस सब में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट मुझे ये चीज़ अच्छी भी लगती है क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक अगर हर कोई करने लगेगा तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो जो सिलेक्टेड लोग हैं जो स्पेशल लोग हैं वही इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कर सकते हैं और कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक भी है और थोड़ा सा इसको प्रमोट करना है, ये अच्छा हमारा जो कल्चर है हमारा हेरिटेज है थोड़ा सा उसको हम अपने लेवल पे प्रमोट करेंगे। हम जैसे ईशान ने भी बोला कि यूथ के बीच हमें इसको प्रमोट करना है, तो इसी में लगे हैं अभी। एंड प्लस आजकल मतलब ऐसा ही नहीं है कि क्लासिकल म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ ऐसे हम लोग तो प्योरली क्लासिकल जैसे करते हैं वैसा होता ही आ रहा है, मतलब तो पूरा 2000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन है ये लेकिन विद मॉडर्न टाइम्स के मॉडर्न सॉल्यूशंस एज वेल कि लोगों ने फ्यूजन एक माध्यम ऐसा चूज करा कि जिसके थ्रू और ज़्यादा यूथ को रीच आउट करा जा सके। एंड सिंस यू सेड रैप म्यूजिक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है फ्यूजन में, जिसमें कई बंदिशें लेके रंगों को लेके उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और उन सबके बीट्स को इन्हांस करके जेल इन करवा के ये सब म्यूजिक भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, मतलब आई फील यूथ इस सब चीज़ को भी सुनना काफ़ी पसंद करती है। तो हाँ सम ऑफ अस हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि वी हैव बीन इन्वॉल्व विद सर्टेन प्रोजेक्ट्स कि जो कि इस तरीके के बैंड्स हैं और इस तरीके के म्यूज़िक को और आगे लेके जा रहे हैं। तो मतलब वही है कि अल्टीमेटली वॉट एवर फिट्स बेस्ट फॉर अस टू प्रमोट आर म्यूज़िक दैट वी आर डूइंग आर वेरी बेस्ट आर लेवल बेस्ट बस यही है। तो यंग जनरेशन किस तरीके से कितना कनेक्ट करती है इस म्यूज़िक से? मेरा अभी जो फ्रेंड सर्कल है जो भी फ्रेंड्स सीनियर्स हम सब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं म्यूज़िक से, क्योंकि मतलब वो शास्त्रीय संगीत करने के लिए वो संस्कार डाला जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, वो शुरू से अपने पेरेंट्स से लेके जब तक आप एक गुरु से नहीं सीखते एक होता है झुकाव अपने सीनियर्स के लिए, तो वो सबसे पहला ही वही होता है कि आप रिस्पेक्ट कितना देते हैं। जब तक वो रिस्पेक्ट नहीं आएगा तब तक संगीत नहीं हो पाएगा, तो मेरे ख्याल से पहले वो वहाँ से शुरुआत होती है कि संस्कार कैसे हैं। बाकी है अभी भी मैं इतना नहीं मानता कि इतना लोग हट गए हैं शास्त्रीय संगीत, क्योंकि आज भी जो प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे भी हर जगह हाउसफुल रहता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। आप लोग जैसे लाइव शोज वगैरह करते हैं तो कैसा रिस्पांस रहता है वहाँ पे? मतलब वही है कि हर फील्ड के अलग अलग उनके ऑडियंस हैं और जो ऑडियंस हैं वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेस करते ही हैं। हमारे अपने रॉक स्टार्स हैं। हाँ पर कहीं बात की जाए तो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक कहीं ना कहीं डार्क साइड भी देखी जाती है, मतलब सच्चाई कुछ और होती देख मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री जो कमर्शियल इंडस्ट्री होती है कितना स्ट्रगल देखते हैं आप लोग इसमें, एक स्ट्रगल फेज भी होता है कहीं ना कहीं? स्ट्रगल तो होता ही है, मतलब चाहे उसे किसी तरह भी टेलीविजन पे पोर्ट्रे किया जाए लेकिन स्ट्रगल तो हर आर्टिस्ट इन एनी जॉनर करता ही है। क्लासिकल में बस ये है कि जो स्टेज एज अ कमर्शियल हमारे पास अभी इतना अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से हमने सोचा कि हम अनुराग को ऐसे लेके आएंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास और जॉनर्स में है जैसे वेस्टर्न के लिए भी काफ़ी सारे कोयर्स हैं और टीवी कमर्शियल्स में भी हम देखते हैं कई सारे रियलिटी शोज, उस तरह से हमारे क्लासिकल के लिए अभी फ़िलहाल ऐसा कोई ग्रैंड लेवल पर नहीं है, तो एक छोटी सी एक कोशिश है। बट स्ट्रगल मैं कहूँगी हर किसी के पास है, उसको टीवी पे ऑफ कोर्स वो लोग थोड़ा सा पॉलिश करना होता है टू गिव इट टू द ऑडियंस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हर एक चीज़ गलत है या नहीं होगा। तो बस ये है कि क्लासिकल म्यूजिशंस थोड़ा सा अपने आप को
पोर्ट्रे करने में कहीं पीछे रह जाते हैं, बिकॉज उतना अपॉर्चुनिटीज हमें फॉर बर्डिंग आर्टिस्ट इतना हमें नहीं दिखता. एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट तो खैर करते ही हैं, तो उस वे में आई थिंक हमारा एक ये जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी हेल्पफुल है. हाँ, हम बहुत होपफुल हैं कि इसमें और लोग जुड़ेंगे, गाएंगे. तो बेसिकली स्टेज इज़ द मेन प्रॉब्लम आर्टिस्ट के लिए. जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको स्टेज बहुत कम है. वो अपना टैलेंट सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं, बट उनको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा अच्छा जितना वो डिज़र्व करते हैं. रिद्धिमा अब शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर, ईशान, संदीप, ये सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं अपने आप में, बट आई फील इनको जितना इनका नाम होना चाहिए वो अभी तक नहीं है. तो ये मेन प्रॉब्लम है जो बेसिकली स्टेज मैंने बोला अपॉर्चुनिटी, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया मैं बोलूँगी तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ें ठीक हैं. इंस्टाग्राम में आप देखें एक आर्टिस्ट एकदम फेमस हो जाता है, फिर उसका जो सक्सेस है वो उतना ही ऐसे जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए ही ठीक है. बट जो ये लोग डिज़र्व करते हैं और जो और भी आर्टिस्ट, मतलब ये लोग से मेरा मतलब है जो आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट जो अच्छा कर रहे हैं वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, वो लॉन्ग टर्म सक्सेस डिज़र्व करते हैं, वो नाम वो डिज़र्व करते हैं. तो इसके लिए है. और कहीं ना कहीं आजकल रील्स की बात की जाए तो लोगों के फीड्स में भी बहुत, मतलब अलग वीडियोस हैं, कह सकते हैं क्रिंज वीडियोस हैं. कहीं ना कहीं जो रियल टैलेंट होता है जी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं दबा रह जाता है. जो बीच असली टैलेंट को मिलनी चाहिए, असली म्यूजिक को मिलनी चाहिए. जी जी वही. आई मस्ट से ब्लंटली काफी बुरा लग सकता है लोगों को, बट क्लासिकल म्यूजिक इज नॉट रियल म्यूजिक. ये 5 सेकंड से 30 सेकंड के अंदर निपटाया नहीं जाता है. इसको सुनने के लिए आपको कम से कम एक जगह पर 1.5 घंटे बैठ के एक आर्टिस्ट को सुनना पड़ता है. वो तो है. तो आजकल वही है कि यंग जनरेशन की वो क्षमता खत्म होती जा रही है कि वो एक जगह 1.5 घंटे बैठे रहे, 3 घंटे बैठे रहे, 3-4 अलग आर्टिस्ट को आते हुए सुने, ठीक है, वापस सब हर आर्टिस्ट अलाप से स्टार्ट करेगा. वो भी एक कल्चर बाय द मीन्स ऑफ सच फाउंडेशंस वी ओनली वी हैव टू क्रिएट. हम लोग आर्सेल्फ जो आर्टिस्ट हैं, हम कोई ऐसा कल्चर अपने ही लोगों के लिए खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा कि उनकी वो क्षमता बनी रहे और वो क्लासिकल म्यूजिक को भी 30 सेकंड के अंदर रिसीव इट ना करें. नहीं, जब से उसको उतना ही कंटेंट मिले जितना वो बना है. नॉट ओनली फॉर क्लासिकल म्यूजिक, ये मैं बॉलीवुड में या वेस्टर्न में भी बोलूंगी कि हाँ, इनफैक्ट एवरी काइंड ऑफ म्यूजिक. जब से शॉर्ट फॉर्मेट आया तब से ये हो चुका है. पहले 7 मिनट के गाने हुआ करते थे, फिर 4 मिनट के, 3 मिनट के, फिर 2 मिनट के, अब 1 मिनट के गाने भी सुनने को मिलते हैं जो म्यूजिशियंस बना रहे हैं. अब आप ये देखिए, जब एग्जैक्टली जो गाने बन रहे हैं वो आप जो उनका जो मेन लाइन होती है वो रील के पर्पज से ही बनाते हैं, और वो जो 10-20 सेकंड का जो मेन पार्ट होता है बस उसको ही वायरल करने के लिए बस. वो मुझे अगर हम कभी सर्वे भी करें तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को पूरा गाना याद भी होगा, बस एक लाइन याद होगी जो रील पे फेमस रहती है. होता क्या है, सेम गाना पे इंस्टा पे सुन लो आपको अच्छा लगेगा, आप यूट्यूब पे जाके एग्जैक्टली हाँ वही 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 पूरा गाना मुझे नहीं लगता कि कई लोगों ने सुना भी होगा वो. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो जितना लंबे टाइम तक रहता है उतना टर्म बॉलीवुड म्यूज़िक या रैप म्यूज़िक का नहीं है. क्योंकि बॉलीवुड म्यूज़िक में बहुत अभी अच्छे बहुत बहुत टॉप के सिंगर्स हैं, बट उनका एक टाइम पीरियड है, इतने से इतने साल तक वो चलते हैं, फिर उनका रिप्लेसमेंट आ जाता है. क्लासिकल म्यूज़िक में ऐसा नहीं है. जो 90 साल के सिंगर हैं वो आज भी गा रहे हैं और उनको सुनने के लिए वैसे ही लोग आए जा रहे हैं, सिर्फ उनके नाम की वजह से, उनके गाने की वजह से. तो वो भी एक लगता है कि ये जो रिस्पेक्ट इन्होंने कमाई है, क्योंकि बॉलीवुड में भी जितने सिंगर्स हैं वो इन सबको प्रणाम करते हैं, और वो प्रणाम लेने के लिए हम म्यूज़िक नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, बट वो लगता है कि पंडित जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, इन सबको जितना मानते हैं सिंगर्स, हम सबका एक कहते हैं कि हमें इस स्टेज में पहुँचना है.
एंड जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं सिंगर्स जो मैंने सुने हैं, बॉलीवुड की बात की जाए या पॉप इंडस्ट्री की बात की जाए, इनको सुनकर लगता है मतलब कि क्यों ही है, मतलब इन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो कहीं ना कहीं रियल टैलेंट है वो अभी भी मतलब उतने फेम और लाइमलाइट में अभी तक नहीं आया है ना। तो आप सब लोग वोकलिस्ट हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट? मैं तबला प्लेयर। आप तबला प्लेयर हो साथ ही साथ? जी मैं तबला प्लेयर। सिर्फ तबला जी? आप वोकलिस्ट ही? वोकलिस्ट। संदीप बहुत अच्छा हारमोनियम भी बजाते हैं। ये प्रॉब्लम है हम आर्टिस्ट की, स्पेशली इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस की, हमें खुद को बेचना नहीं आता। ये सी मैंने, अगर मैं नहीं बोलती तो वो बस वोकलिस्ट बोल के हम आगे आ जाते, तो ये थोड़ा सीखना पड़ेगा हमें। From the very beginning has been very deeply connected to spirituality. तो क्योंकि हम शुरुआत तो प्रैक्टिस से करते हैं, फिर उसको रियाज में तब्दील करते हैं, फिर आफ्टर एज वो रियाज को साधना में तब्दील करना होता है। तो जब तक साधक बनते जाते हो आप, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा व्यक्तित्व में परिवर्तन आता रहता है, आता रहता है। विद एज भी होता है, वो बदलों का पहले ही हो जाता है, जस्ट विद देयर अमाउंट ऑफ रियाज देयर पुटिंग इन, द अमाउंट ऑफ एफर्ट देयर पुटिंग इन देयर वर्क, जैसे जैसे वो अपनी सोच डेवलप करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ या गाने के साथ बैठ के, जो भी अपने उनका आर्ट फॉर्म है, तो वही पूरा एक इंसान का व्यक्तित्व क्लासिकल म्यूजिशियन का ही अपने आप में बदल देता है। तो इसलिए थोड़े अलग से ग्रुप में एक अलग से दिखते हैं क्लासिकल आर्टिस्ट से या इस तरीके के म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। Yeah.